अच्छा, हमारे पास ना इसमें ना दो सेक्शन है, एक कोर्सेज का है, एक कोर्स मटेरियल का है। अब कोर्सेज का है जो उसके अंदर सिंपल हमारे कोर्स है और कोर्स की टाइप है। अब कोर्स की टाइप है ये GRE, GMAT और ये सारे डिफरेंट टाइप्स, अब जितनी ऐड करेंगे आप इसमें ऐड हो जाएंगे। और कोर्सेज में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास यानी कि कोर्सेज की लिस्ट आ रही है जिसका यहाँ पर आइकॉन मिसिंग है ना। अब वहां से यहाँ पे क्लिक करेंगे अपडेट पे जाके, वहां से दोबारा उसका आप यहाँ से फोटो अपडेट कर देंगे उसका। और दूसरा जो हमारे ये कोर्सेज है ना, कोर्सेज है हमारे वो सिंपल इस तरह है कि हमारे पास यानी कि मेन वेबसाइट पे कोई भी यूजर आएगा और वेबसाइट से आकर ऑर्डर प्लेस करेगा तो हमारे पास उसका एक ईमेल आ जाएगी और एक मैसेज आ जाएगा उसका। अब ये तो हमारे वो सिंपल मैसेजेस थे, कोई भी कोर्स जिसके अंदर वो क्लिक करेगा, डिटेल पे जाएगा उसकी पे, और डिटेल पे करने के बाद ऐड टू कार्ट करेगा और उसका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने कैटेगराइज किया था बाद में कि हमारे पास ये नहीं कि एक ऑप्शन तो ये था कि हमारे पास कोर्स पड़े हुए हैं उधर, कोई भी यूजर आएगा कोर्स पर क्लिक करेगा, ऐड टू कार्ट करेगा और आपको ऑर्डर मिल जाएगा। आप उसको स्काइप पे पढ़ाएंगे या जिस तरह टीम वर्क के थ्रू पढ़ाएंगे, जिस तरह भी पढ़ाएंगे वो आपने देखना है, और हमारा पहले डिस्कस हो भी चुका है इसके बारे में। ठीक है, दूसरा हमारा ये था कि हमने उनको या तो कोई वीडियोस भेजनी थी डाउनलोड करने के लिए, लिंक देना था, या PDF की फाइल भेजनी थी उनको, या फिर शिपमेंट के थ्रू थी कि आपको ईमेल आएगी तो आप क्या कैसे हार्ड कॉपी उनको भेज देंगे। तो इसमें यह है कि जब आप यहाँ से सपोज करें कि आप यहाँ से जब क्रिएट करेंगे, यहाँ से अगर आप कोर्स मटेरियल क्रिएट करते हैं, यहाँ से आपने देखना है कि बुक में करनी है या वीडियो में करनी है। ठीक है, आपने ऐसे कर लिया। अब यहाँ पे बुक का नेम हो गया, ये सीरियल नंबर है, ये सिर्फ सॉर्टिंग के लिए उसकी, यहाँ प्राइस है, ये एक्सपायरी डेट है, ठीक हो गया। और यहाँ पे फॉर्मेट है उसका, हार्ड कॉपी है, PDF है। हार्ड कॉपी है तो क्या होगा कि जब इसमें आप सेव कर देंगे, और इसमें हार्ड कॉपी जब आप यहाँ से करेंगे ना तो आपको ये फाइल अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, जब भी कोई यूजर ऑर्डर प्लेस करेगा तो आपके पास ईमेल आएगी, उस ईमेल के अंदर इस कोर्स का नेम होगा, ठीक है, और उस बंदे की डिटेल होगी, आप इसको हार्ड कॉपी भेज दोगे, इसमें लिंक की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ से PDF वर्जन करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे फाइल अटैच करने की जरूरत है। आप यहाँ पे फाइल नेम देंगे, चूज फाइल करेंगे, वो डॉक्यूमेंट होगा PDF का या कोई वीडियो होगी, ऐड फाइल करेगा तो फिर वो सेव हो जाएगा। और जो ये वाले एक्सपायरी डेट है ना, इस डेट में आप उसको बताओगे कि ये वैल्यू ये आप PDF जो अपलोड कर रहे हो ये कब तक वैलिड रहे। अगर आप इसको कहते हो कि ये वैलिड रहे 1 साल तक, तो 1 साल तक वैलिड रहेगी, लेकिन अगर आप 1 महीने के लिए करते हो तो 1 महीने तक ये हो जाएगी। पहले ये था कि हमने कहा था कि हम बैकएंड से खुद सेट कर देंगे 30 दिन के लिए, लेकिन आपको यहाँ पे ना आसानी दे दी है कि आप यहाँ से सेट कर लेंगे। जिसका आप लिंक ऐड करेंगे ना, यहाँ पे लिंक ऐड करेंगे तो ये लिंक जाएगा उसको ईमेल में। अगर आप यहाँ से लिंक ऐड नहीं करेंगे तो फिर सिंपली आपके पास एक ऑर्डर की ईमेल आएगी और उस ऑर्डर में लिंक नहीं होगा, उसकी बिलिंग डिटेल वगैरह होगी। और दूसरा, जब आप एक तो आपको ऑर्डर की ईमेल आएगी, दूसरा आप यहाँ पे ना ये मेन्यू ऑर्डर्स का, यहाँ पे जितने ऑर्डर आए हुए हैं ना, किसी भी ऑर्डर पर क्लिक करके आप यहाँ से उसकी डिटेल देख सकते हैं कि जिस बंदे ने ऑर्डर प्लेस किया था ये इसकी डिटेल है, ये उसकी 2 आइटम थी उसकी, ये कोर्स नेम था, ये प्राइस थी जो उसने ऑर्डर प्लेस किया था, तो या इस पे आप उसको डिटेल भेज देंगे। तो